हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रेड कुकिंग पर। आज हम खेलने वाले हैं आग सर्वाइवल। ये है एपिसोड नंबर 1। ये है हमारी नई सीरीज। इसमें मैं बताऊंगा आग से इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अभी हमें बिगनिंग्स में कौन से डायनोस टेम करने चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो बिगनर्स हैं, मतलब जो स्टार्टिंग किए हैं खेलना आग को, उनको पता नहीं है कौन सा डायनो इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा डायनो तुम्हें इम्पोर्टेंट है, वही टेम करो। करते हैं अपने पहले डायनो की ओर। मतलब काफ़ी देर से इस डायनो को ढूंढ रहा हूँ, अब जाके मिला। वैसे ईजिली मिल जाते हैं, मेरी साइड पता नहीं क्यों मिलते ही नहीं है। तो ये है मोस्टॉप। इस डायनो को टेम करने के लिए कुछ नहीं करना, बस तुम्हें 2-3 बेरीज चाहिए और ये दो चुटकी बजाते ही 2 मिनट में टेम हो जाएगा। तो पहले मैं बेरीज कलेक्ट कर लूँ 2-3। तो भाई इससे तो मेरे को मिली नहीं अच्छी खासी। हाँ, इससे मेरे को एक मैजोरी बेरीज मिल गई है, मतलब उससे जल्दी चीज़ें टेम हो जाती हैं, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए मुझे पे एक बेरीज हो, मैंने उसको खिलाया। तुम देख सकते हो 7 लेवल का और 79% हो गया एक ही बेरीज में। अब मुझे इसका हंगर बार कम होने का वेट करना है। जैसे ही कम होता है वैसे ही मैं और खिला दूंगा इसको, से तुरंत ही ये टेम हो जाएगा। एक बाइट और चाहिए बस इसे, और काफ़ी देर हो गई है और हो गया, फाइनली हो गया। तुम ऐसा निशान आ जाएगा इसका, चिकन्स का, तो तुम खिला दोगे फिर से। तो ये फिर से, और भाई टीम भी हो गया भाई, तुम देख रहे हो। मतलब अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसे अनेबल वॉन्डरिंग और हाँ विक्टर। अरे यार, मैंने वो भी तो नहीं किया ना, क्या कहते हैं उसको, विक्टर का आइटम कलेक्शन, ये भी कर देना है तुम्हें। अब आराम से तुम्हें इसको स्टॉप पर डाल देना है, और बस ये आराम से तुम्हें स्टॉप पर डाल दो और ये आराम से अपने सारा सामान कलेक्ट करता रहेगा। वोट्स, फाइबर और बहुत सारी बेरीज, मतलब सब कुछ कलेक्ट कर लेगा। थैस तक भी कलेक्ट कर लेगा। मतलब तुम और कुछ काम करो और ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर। नेक्स्ट डायनो है हमारा सबका चाहे था पैरासोरस। देखो यार, मैं इस डायनो को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं देता हूँ, बट यार बिगनिंग के लिए ये बहुत अच्छा डायनो है। जैसे कि तुम लॉन्ग ट्रैवल करते हो या कुछ करते हो लैंड के थ्रू, तो यार सबसे बेस्ट डायनो है ये। ज़्यादा से ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है और मतलब शुरुआत के लिए ये अच्छा डायनो है। मैं सिर्फ शुरुआत के लिए बता रहा हूँ, और इसकी शेडल सिर्फ 10 लेवल पर अनलॉक हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ शुरुआत के लिए अच्छा है। बाकी ये आगे चल के तो फास्ट डायनो, सही बता रहा हूँ। और ये वुड्स, फाइबर, हैच, नहीं फाइबर मुश्किल कलेक्ट करता है बट बेरीज कलेक्ट करता है। तो फाइबर को छोड़ के ये वुड्स, हैच, बेरीज कलेक्ट कर लेता है। तो शुरुआत के लिए ये बेस्ट डायनो है। मैं तुम्हें कलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, तुम देख सकते हो। बस हाँ, इसका एम में थोड़ी तुम्हें मुश्किल होगी, तो शुरुआत में होगी, बाद में तुम आराम से खुद कर लोगे। तुम मेरे को खुद देख सकते हो, मैं इजीली कर ले रहा हूँ, बट शुरू में तुम्हें भी दिक्कत होगी, बट इजीली तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। और इसके जो कलर हो रखा है, मैंने ऐसे अपने मनपसंद का मार दिया है। और अगर तुम चाहते हो मैं इसकी टेमिंग की वीडियो लेके आऊँ, तो मैं गारंटी से लेके आऊँगा। मतलब हर चीज़ के साथ, ट्रैप के साथ, और ये बोला के साथ भी टेम हो सकता है। जिनको नहीं पता, बोला मार के भी तुम इजीली इसको टेम कर सकते हो। नेक्स्ट डायनो आता है हमारा सबसे खतरनाक डायनो भाई, ट्राइक। इसका नाम इग्नोर मानना, और उसका ट्रैक, मतलब सब लोग इसे ही पसंद करते हैं भाई। ये बहुत तगड़ी एबिलिटी रखता है, और उसका सेकेंडरी अटैक तो बहुत ही खतरनाक है। सेकेंडरी अटैक भाई तुम्हें मतलब स्लोनेस दे देगा अगर किसी डायनो पे मारोगे, और रास्ते में जितनी भी चीज़ें पड़ेंगी भाई कलेक्ट करते चला जाएगा। देखो, पेड़, बेरीज, फेरीज, स्टोन को छोड़ के सारी चीज़ कलेक्ट कर सकता है। मतलब बहुत ही खतरनाक डायनो है ये, और इसका फर्स्ट अटैक तो ऑब्वियसली नॉर्मल है, और तुम इसे बेरीज भी कलेक्ट कर सकते हो। तो मतलब ये भी वुड, थैच, बेरीज सब चीज़ कलेक्ट कर सकता है, और मतलब यार ये बहुत अच्छी फाइट भी ले सकता है और डायनो से, मतलब एक साथ 2-2, 3-3 डायनो से फाइट ले सकता है। और मैंने इससे रैक्स तक को मार रखा है, नहीं यकीन होता तो मैंने वीडियो बना रखी है, जाके तुम देख सकते हो इसके बाद। पर मैं अभी देखो तो मैं सामने से फाइट लेके दिखाता हूँ। सामने 2 डायनोस दिख रहे हैं मुझे इसी की प्रजाति के। तो अभी फिलहाल मैंने इसको एक हिट दिया है, देखो भाई ये कितना स्लो हो गया है। दूसरा डायनो देखो तुरंत भाग के आ जाएगा, बट वो स्लो हो गया है। और मैं एक साथ देखो नॉकआउट भी दे रहा हूँ, मतलब जो उसका डी हेड का शेप है ना, ये इससे नॉकआउट दे सकता है एक साथ 2 डायनो को। चाहे कितने भी डायनोज आ रहे हैं ये आराम से झेल सकता है, और भाई कोई भी सामने हो, चाहे रैक्स ही क्यों ना हो, आराम से मार सकता है ये। एक तो को तो फेल भी दिया भाई, दूसरे को भी फेल दिया, मतलब बहुत अच्छा डायनो है। अगर रैंकिंग में मैं इसको रखना चाहूँगा तो टॉप नंबर पर रखूँगा भाई, टॉप 5 डायनो में से ये सबसे पहले नंबर पर रखूँगा। वैसे मैं रैंकिंग के हिसाब से कोई डायनो अभी बता नहीं रहा हूँ, बट ये तब भी मैं पहले नंबर पर
अगर बताता तो ये पहले नंबर पर ही होता। और हाँ, मैं लो लेवल के उसमें खेल रहा हूँ तो इसलिए मेरे मैप में पूरे मैं लो ही डाइनो लो लेवल के डाइनोज ही आते हैं। तुम अगर मीडियम में या हाई में खेलोगे तो तुम्हारे में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के डाइनोज आएंगे, तुम अच्छे लेवल के ही टेम करना, तुम्हें उससे और बेटर मज़ा आएगा, मतलब बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, बेटर चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें बेटर मिलेंगी। नेक्स्ट डायनो आता है हमारा रैप्टर। मतलब यार ये तो भाई, इसकी तो नाम ही सुनते ही सब बस इसी को टेम करना चाहते हैं। 18 लेवल पे इसकी शेडल अनलॉक हो जाती है और मैंने तो पूरी की पूरी बटालियन टेम कर रखी, मतलब पूरी की पूरी एक आर्मी बना रखी इनकी। तो मतलब आर्मी बना लो तुम भाई, कोई भी डायनो सामने आया कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। और उसकी स्पीड भाई क्या ही लाजवाब है भाई, ये बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकते तुम इससे, मतलब 2 मिनट में तुम कहीं से भी कहीं जा सकते हो। और इसका सेकेंडरी अटैक क्या ही बताऊं मैं भाई, झपट्टा मार के जो दबोचता है ना ये, रुको मैं इसको दबोचने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे बड़ा डायनो है, दबोच मुश्किल पाएगा से, तो थोड़ी देर तक दबोचा बट ये भाग गया हमारी पकड़ से। कोई नहीं, पहले इसको फिनिश करते हैं, देखो कितनी जल्दी इसकी हेल्थ खा ली। वैसे कम लेवल का है, अगर हाई लेवल का होता तो बहुत जल्दी खा लेता। देखो इसको दबोच लिया है, अब भाई ये भाग नहीं सकता मेरी पकड़ से, अब बस इसकी 2 मिनट की जिंदगी और मैं इसको तुरंत ख़त्म कर दूंगा और ये भाई ख़त्म। और सबसे बेस्ट कलेक्टेड हाइड है, शुरुआत के लिए सबसे अच्छा कलेक्ट करता ही है हाइड, तो मतलब तुम इसको टेम कर सकते हो। हाइड कलेक्टने के लिए ये भी बेस्ट डायनो है। और मतलब यार तुम्हारे पीछे अगर कोई डेंजर हो या आसपास कोई डेंजर हो तुम बहुत जल्दी ही अवॉइड कर सकते हो। मतलब अब तक जो भी डायनोस बताए जैसे पैरासोरस हो गया, वो इतनी स्पीड से नहीं भाग सकता, अगर रैप्टर उसके पीछे लग जाए तुम्हारा खेल खत्म है। ट्रैक्स हाँ भाग नहीं सकता बट वो फाइट अच्छी ले सकता है, बट रैप्टर तुम्हारी दोनों चीज़ कर सकता है। अगर कोई खतरनाक डायनो दिख जाए तो तुम धूम धमा के भाग सकते हो और फास्ट ट्रैवल भी कर सकते हो बाय लैंड। और अपना नेक्स्ट डायनो आता है जो सबके लिए सबसे पहला उड़न खटोला होता है। मतलब यार सबको चाहिए होता है उड़ने के लिए, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, तुम उड़ के ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हो। ये तो भाई बहुत हाई लेवल पे होता है, 62 लेवल पे होता है, इसको हम अर्जेंटीनियस बोलते हैं, प्यार से मैं इसे आरजे भी कहता हूँ। बट 40 लेवल पे अनलॉक होने वाला उड़ने का डायनो है पेट्राडोन, इसको तुम भाई इजीली टेम कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें चाहिए बोला और भाई ट्रैंक एरोस, ट्रैंक एरोस से तुम इसको मारो भाई, अनकॉन्शियस करो और भाई तुम बस इसको क्या कहते हैं वो खिला सकते हो, मीट खिला के तुम इजीली टेम कर सकते हो। वैसे इसकी जल्दी टेम करने के लिए इसको डोडो केबल कुछ करके आता है, वो भी खिला के टेम कर सकते हो। उसका सेकेंडरी अटैक चेक करो गाइस, घूम के जो डैमेज देता है ना, अगर उसकी लो हेल्थ हो तो वहीं डेड है और नहीं तो बहुत तगड़ा डैमेज देता है। और ऐसे अगर तुम ऑनलाइन मल्टीप्लाई खेलते हो तो ऐसे करके ये पिकअप भी कर सकता है किसी भी प्लेयर को, और जानवर को नहीं उठा सकता। अफसोस ये इसके पास एबिलिटी नहीं है, बट आरजे के पास है, हमारा आरजे वहाँ खड़ा है। तो फिलहाल के लिए बस यही था, यही लास्ट डायनो था, मैंने तुम्हें 5 डायनोज बता दिए हैं। तो मैं वीडियो कैसे लेकर मैंने जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।